हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपने स्टार्टिंग में स्टेटस वीडियो देख ही लिया। इस टाइप के वायरल रील लिरिक्स वीडियो एडिट करना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। अलाइट मोशन ऐप को ओपन करते हैं। जैसे ही ऐप को ओपन करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। प्लस पर टैप करना है। आप यहाँ से वीडियो रेशो सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर टैप करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर टैप करना है। वीडियो फॉर्मेट से सॉन्ग यूज़ करने के लिए प्लस पर टैप करना है। मीडियम में टैप करना है। आपको यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट करना है जिसका सॉन्ग यूज़ करना चाहते हैं। वीडियो लेयर पर टैप करना है। थ्री डॉट पर टैप करना है। ऑडियो पर टैप करना है। वीडियो को डिलीट कर देना है। प्लस पर टैप करना है। मीडियम में टैप करना है। आपको यहाँ से फ़ोटो को सिलेक्ट करना है जिस पर एडिटिंग करना चाहते हैं। फ़ोटो पर टैप करना है। लास्ट में जाना है, इस पर टैप करना है। फ़ोटो पर टैप करना है। थ्री डॉट पर टैप करना है। फिल कर देना है। इस टाइप के फ़ोटो फाइंड करने के लिए आपको बैक आना है। पिंटरेस्ट ऐप को ओपन करना है। सर्च बार पर टैप करना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है टॉलीवुड कपल फोटोग्राफी। जैसे ही आप सर्च करते हैं आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं। आप यहाँ पे फ़ोटो फाइंड कर सकते हैं। बैक आना है। फ़ोटो पर टैप करना है। प्लस पर टैप करना है। डुप्लीकेट लेयर पर टैप करना है। कॉपी लेयर पर टैप करना है। मूव पर टैप करना है। इस पर टैप करना है। आपको इसके साइज़ को कम कर देना है। बैक आना है। प्लस पर टैप करना है। आपको यहाँ से सेव को सिलेक्ट करना है। इस पर टैप करना है। सेव लेयर पर टैप करना है। लास्ट में जाना है, इस पर टैप करना है। सेव लेयर पर टैप करना है। एडिट सेव पर टैप करना है। एक्स पर टैप करना है। आपको इसको 345 कर देना है। वाई पे टैप करना है। आपको इसको 530 कर देना है। रेडियस पे टैप करना है। आपको इसको 85 कर देना है। टिक कर देना है। बैक आना है। फोटो एंड सेव लेयर पे टैप करके मार्क करना है। आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे टैप करना है। ग्रुप पे टैप करना है। एडिट ग्रुप पे टैप करना है। फ़ोटो पे टैप करना है। आप यहाँ से फ़ोटो के साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपको इसको सेंटर में कर देना है। बैक आना है। न्यू प्रोजेक्ट पर टैप करना है। ग्रुप पर टैप करना है। शैडो पर टैप करना है। सेकंड ऑप्शन पर टैप करना है। शैडो को इनेबल कर देना है। साइज पर टिक करना है। आपको इसको 30 कर देना है। नीचे की साइड आना है। आपको इस पर टैप करना है। आपको इसको 0 कर देना है। इस पर टैप करना है। प्लस पर टैप करना है। साइज पर टिक करना है। आपको इसको 60 कर देना है। कलर पर टैप करना है। आपको यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है फ़ोटो के अकॉर्डिंग। आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करना है। आपको इसको डार्क कर देना है। बैक आना है। ग्रुप पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। इस पर टैप करना है। आपको इसके साइज़ को कम कर देना है। बैक आना है। इफेक्ट ऐड करने के लिए बैकग्राउंड फ़ोटो पर टैप करना है। इफेक्ट पर टैप करना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। ब्लर पर टैप करना है। आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। एंगल पर टैप करना है। 15.0 कर देना है। बैक आना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। कलर एंड लाइट पर टैप करना है। आपको नीचे की साइड आना है। इस पर टैप करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है। इस पर टैप करना है। 50 कर देना है। थ्री डॉट पर टैप करना है। कॉफी इफेक्ट पर टैप करना है। बैक आना है। ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। नीचे की साइड आना है। इस पर टैप करना है। आपको यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। ओपन करना है। राउंडनेस पर टैप करना है। आपको इसको 45 कर देना है। बैक आना है। ग्रुप पर टैप करना है। इफेक्ट पर टैप करना है। थ्री डॉट पर टैप करना है। पेस्ट इफेक्ट कर देना है। बैक आना है। इमोजी ऐड करने के लिए प्लस पर टैप करना है। मीडियम में टैप करना है। आपको यहाँ से इमोजी सेलेक्ट करना है। इमोजी पीएनजी इमेज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। लेयर पर टैप करना है। लास्ट में जाना है। इस पर टैप करना है। इमोजी लेयर पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। आपको इसकी पोजीशन को सेट कर देना है। इस पर टैप करना है। आपको इसके साइज को कम कर देना है। आपको इसको अच्छे से सेंटर में सेट कर देना है। बैक आना है। लिरिक्स लिखने के लिए आपको व्हाइट शैडो पीएनजी को सेलेक्ट करना है। प्लस पर टैप करना है। मीडियम में टैप करना है। आपको यहाँ से पीएनजी को सेलेक्ट करना है। व्हाइट शैडो पीएनजी इमेज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हेयर पर टैप करना है। मुंह पर टैप करना है। आपको इसकी पोजीशन को सेट कर देना है। इस पर टैप करना है। आप यहाँ से इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। बैक आना है। हेयर पर टैप करना है। लास्ट में जाना है। इस पर टैप करना है।
शैडो पीएनजी के साइट में टैप करके होल्ड करना है। आपको इसको ग्रुप के नीचे कर देना है। सॉन्ग लिरिक्स लिखने के लिए प्लस पर टैप करना है, टेक्स्ट पर टैप करना है। आप यहाँ पे लिरिक्स लिख सकते हैं, कलर पर टैप करना है। आपको यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, इस पर टैप करना है, लिरिक्स को सेंटर में कर देना है। फॉन्ट पर टैप करना है, आपको यहाँ से इस फॉन्ट को सेलेक्ट करना है। फॉन्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 18pt पर टैप करना है, आप यहाँ से इसके साइज को बढ़ा सकते हैं, टिक कर देना है। लिरिक्स लेयर पर टैप करना है, मुख पर टैप करना है, आपको इसकी पोजिशन को सेट कर देना है। इस पर टैप करना है, आपको इसके साइज को बढ़ा देना है। पैक आना है, लेयर पर टैप करना है, शैडो पर टैप करना है, आपको इसको इनेबल कर देना है। इस पर टैप करना है, आपको इसको 2.0 कर देना है। ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, बैक आना है। लिरिक्स में इफेक्ट ऐड करने के लिए लेयर पर टैप करना है, इफेक्ट पर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, लास्ट में जाना है, टेक्स्ट पर टैप करना है। आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है। इस पर टैप करना है, एड कर देना है, बैक आना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, कलर एंड लाइट पर टैप करना है। आपको यहाँ से लॉन्ग शैडो को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ओपन करना है, साइज पर टिक करना है। आपको इसको 0.021 कर देना है। नीचे की साइट आना है, अल्फा पर टैप करना है, आपको इसको 25 कर देना है। बैक आना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, आपको इस पर टैप करना है। आपको नीचे की साइट आना है, आपको इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ओपन करना है, स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में प्लस देना है, एंड में प्लस देना है, एंड में 2.0 कर देना है। स्पेसिंग पर टैप करना है, 3.0 कर देना है। मैग्नीट्यूड पर टैप करना है, 0.5 कर देना है। बैक आना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, इस पर टैप करना है, नीचे की साइट आना है, आपको यहाँ से इस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ओपन करना है, इस पर टैप करना है, 0.5 कर देना है, इस पर टैप करना है, 0.25 कर देना है। नीचे की साइट आना है, इस पर टैप करना है, स्टार्टिंग में प्लस देना है, एंड में प्लस देना है, स्टार्टिंग में आना है, स्टार्टिंग में 0.01 कर देना है, एंड में आना है 1.50 कर देना है। कलर पर टैप करना है, आपको यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट करना है, इस पर टैप करना है, आपको इसको डार्क कर देना है। बैक आना है, नीचे की साइट आना है, स्मूथिंग पर टैप करना है, 0.060 कर देना है। बैक आना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है, नीचे की साइट आना है, इस पर टैप करना है, आपको यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना है, ओपन करना है, इन पर टैप करना है, 0.40 कर देना है, इस पर टैप करना है, 0.30 कर देना है। बैक आना है, लिरिक्स ड्यूरेशन कम ज़्यादा करने के लिए लेयर पर टैप करना है, टाइमर पर टैप करना है। आप यहाँ से लिरिक्स ड्यूरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉन्ग की नेक्स्ट लाइन लिखने के लिए आपको लेयर पर टैप करना है, प्लस पर टैप करना है, डुप्लीकेट लेयर पर टैप करना है, कॉपी लेयर पर टैप करना है। होल्ड करके आपको इसको आगे की साइड कर देना है सॉन्ग के अकॉर्डिंग। कॉपी लेयर पर टैप करना है, एडिट टेक्स्ट पर टैप करना है। आप यहाँ पे सॉन्ग की नेक्स्ट लाइन लिख सकते हैं, टिक कर देना है, प्लस पर टैप करना है, मीडियम में टैप करना है। आपको यहाँ से पार्टिकल वीडियो को सिलेक्ट करना है, पार्टिकल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। पार्टिकल लेयर पर टैप करना है, ब्लेंडिंग में टैप करना है, लाइट पर टैप करना है, स्क्रीन पर टैप करना है। बैक आना है, वीडियो के लास्ट में जाना है, आपको इसको कट कर देना है। पार्टिकल लेयर के साइड में टैप करके होल्ड करना है, आपको इसको ग्रुप के नीचे कर देना है। वीडियो को सेव करने के लिए एरो पर टैप करना है, एक्सपोर्ट कर देना है। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।